केवल एक सॉल्यूशन नहीं है, उस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या वर्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन राउंड हो चाहे इंटरव्यू राउंड हो। ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, किसी भी कंपनी में जाओगे वहां इंटरव्यू होंगे ही होंगे डीएसए के, बिकॉज ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्रोग्रामर्स को अच्छा बनना ही पड़ता है, इसके बिना तुम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे। Hi, myself Parekh here. Sir, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसा बेस्ट फ्री रिसोर्स जिससे तुम अच्छे से मास्टर कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, और हमें मास्टर करने के लिए क्या क्या करना होता है एक स्टेप बाय स्टेप वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड उस रिसोर्स का तुम कैसे यूटिलाइज करोगे हर स्टेप पे अच्छा करने के लिए वो भी अच्छे से बताऊंगा, सो दैट यू गेट टू नो कि हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में कैसे मास्टरी करनी है, बिकॉज ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्रोग्रामर्स को अच्छा बनना ही पड़ता है, इसके बिना तुम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे वहां इंटरव्यू होंगे ही होंगे डीएसए के। तो यार इस चीज की अगर हमें मास्टरी करनी है, अच्छे से अपनी लाइफ में वन टाइम एफर्ट डाल के अच्छा करना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और क्या उस रिसोर्स का कैसे फायदा उठाना है वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, मिस मत करना। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, अमेजिंग रिसोर्स है और अच्छे से वो लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, अच्छे से वो लोग भी सीख पाएंगे। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज, ऐसे बहुत सारी गाइडिंग वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, तो तुम लोगों का फायदा होता है, तो सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है और कब क्या करना है। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के उसके बेसिक सीखना, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, जनरली इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट फ्री रिसोर्स है, राइट, हर चीज में एक ही कॉमन रिसोर्स है, कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो का जो तुम्हारे को अगर बेसिक सीखना है कोई भी लैंग्वेज में, तो हमारे पास तीन गाइडेड पाथ्स हैं, बेसिक ऑफ C++, बेसिक ऑफ जावा, बेसिक ऑफ पाइथन। उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से कि इफ एल्स कैसे लिखते हैं, लूप्स कैसे होता है, पैटर्न के क्वेश्चंस, हमारे फंक्शंस, बेसिक ऑफ एरेज, बेसिक ऑफ स्ट्रिंग्स, ये सब कुछ कवर्ड है। तो कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो और उसके अंदर बहुत अच्छे से तुम बेसिक्स कर लो, जो भी हमें C++ में की बात करें तो पॉइंटर्स, डायनेमिक एलोकेशन, वो सब कुछ कवर्ड है। जावा के अंदर डायनेमिक एलोकेशन कैसे होता है, पाइथन में मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, पूरा अच्छे से कवर्ड है, नोट्स के साथ, MCQs के साथ, कोडिंग क्वेश्चंस के साथ, अमेजिंग तरीके से सोच समझ के बनाए हुए हैं वो गाइडेड पार्ट्स, उनको तुम रेफर कर सकते हो। इस पूरे रिसोर्स का मैं लिंक कोड स्टूडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां पर तुम गाइडेड पाथ वाले सेक्शन में बेसिक ऑफ C++, जावा या पाइथन रेफर कर सकते हो, तुम्हें लैंग्वेज के बेसिक्स आ जाएंगे। ठीक है, वंस दैट इज डन, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का नेक्स्ट स्टेप होता है हमें एक्चुअली अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से करनी है। तो हमें एरेज, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, स्टैक्स एंड क्यूज, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यूज, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारा एक गाइडेड पाथ है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, बहुत ही अमेजिंग गाइडेड पाथ है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया हुआ है कि एरेज पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना होता है, स्ट्रिंग्स पढ़ना है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस के साथ, ढंग के नोट्स के साथ, राइट, एंड टू एंड ढंग से कवर्ड है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन C++ में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है, अच्छे से टेस्ट के से सोच समझ के बनाए हुए हैं, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, राइट। सॉल्यूशन केवल एक सॉल्यूशन नहीं है, उस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या वर्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है, सारा बिल्कुल एंड टू एंड अच्छे से कवर्ड है, राइट। यू कैन डिस्कस विद पीपल एज वेल, अपने सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हो, उन लोगों के सॉल्यूशन से सीख सकते हो। तो वो जो डीएसए का गाइडेड पाथ है उसको तुम अगर अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का जो बेस है ना वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। उसके अंदर 370 प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम लाइक अमेज़न में कौन सी आई है, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे आई है, वो सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। जो भी तुम्हें एक बेस सेटअप करना था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, वो उस गाइडेड पाथ से बहुत अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा वही होना चाहिए, उस गाइडेड पाथ को बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई, हम डीएसए में ठीक हो गए। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो तुम्हें करना पड़ता है डीएसए में, हमें थोड़ा टाइम टेस्ट देने होते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट आता है कि हमें टाइम टेस्ट देने में थोड़ा कंफर्टेबल होना है। मतलब अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम ज्यादा सोच नहीं रहे थे कि हम कितने घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है, चाहे वो ऑनलाइन राउंड हो चाहे इंटरव्यू राउंड हो। ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, राइट, एक घंटे का टाइम है, आधे घंटे का टाइम है, इस टाइप से थोड़े टाइम टेस्ट देने होते हैं। तो हमारे कोड स्टूडियो पर कॉन्टेस्ट है, राइट, टेस्ट सीरीज है जिसपे तुम अपने आप को टाइम टेस्ट देके टेस्ट कर सकते हो कि यार ये अमेजोन का एक ऑनलाइन राउंड है, ये अमेजोन का एक सेकेंड राउंड है, इसका मैं एक टेस्ट देके देख लेता हूँ।
राइट, वहां पर से तुम्हें टाइम टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी एंड प्लस कॉन्टेस्ट भी है जो तुम रेगुलरली कर सकते हो, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। राइट, कॉन्टेस्ट रेगुलरली होते रहते हैं, ये चीजें तुम्हें टाइम्ड एनवायरनमेंट में कैसे अच्छा होना है उसमें अच्छा बना देंगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, टाइम टेस्ट वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डीएसए के। हमने देखो काफी सारे डेटा एल्गोरिथम से सीख लिए, बट एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नाम की चीज है जिसका अगर हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं तो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एंड सिमिलरली जब तुम कॉन्टेस्ट दे रहे होंगे तो शायद कुछ कुछ जगह, चाहे वो कोड फोर्सेस हो, चाहे कोड शेफ हो, चाहे कोड स्टूडियो के कॉन्टेस्ट हो, कुछ कुछ जगह कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स फेस करोगे जिसमें तुम्हें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक सेगमेंट ट्री हो सकता है, राइट फेनविक ट्री हो सकता है, कुछ स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़े थोड़े हार्डर प्रॉब्लम्स, तो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का गाइड पाथ फॉलो कर सकते हो। वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, उसके अंदर भी जावा सी प्लस प्लस पाइथन के सॉल्यूशंस हैं, अच्छे से पूरे एंड टू एंड सोच समझ के बनाए हुए हैं। राइट, और बिल्कुल लाइक इसका वर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, वो सब कुछ कवर्ड है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के गाइड पाथ में। एक और एक्स फैक्टर है कि कोड फोर्सेस कोड शेफ के हर टॉपिक में कौन से कोड फोर्सेस कोड शेफ के क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि तुम उन प्लेटफॉर्म्स पे भी अच्छा हो पाओ, वो भी अच्छे से गिवन है। तो प्लीज उस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को गाइड पाथ को नेक्स्ट को फॉलो करना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था लैंग्वेज सीखना, सेकंड स्टेप था डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा होना, थर्ड स्टेप था टाइम टेस्ट अच्छे से देना, चौथा स्टेप था हमारा कि यार ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा सा सीख लेना। ठीक है, फिफ्थ स्टेप है बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड स्टेप ओनली। अब तुम कॉन्टेस्ट में थोड़ा अच्छे होने की कोशिश करना। राइट, पहले तुम कॉन्टेस्ट दे रहे थे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए, अब कॉन्टेस्ट में हमें अच्छा होना शुरू करना है। राइट, रेगुलरली डीएसए का फ्लो मेंटेन करना है तो हमें कॉन्टेस्ट में थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा। मतलब अब हम बेसिकली अपने पे नहीं, बस बेसिकली थोड़ा कॉम्पीट करना भी सीखेंगे कि दूसरों से हम थोड़ा सा अच्छे हो पा रहे हैं, हम कॉन्टेस्ट में सोल्यूशन सोच पा रहे हैं, तो हमें थोड़े से कॉन्टेस्ट रेगुलरली देने होंगे, चाहे वो कोड फोर्सेस पे हो, चाहे वो कोड शेफ पे हो, चाहे वो कोड स्टूडियो पे हो, थोड़े कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट देने का ट्राई करो, बिकॉज वो तुम्हें ज्यादा ग्रो करवाएगा एज अ प्रोग्रामर, चाहे वो कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट हो, कोड शेफ के कॉन्टेस्ट हो, कम्युनिटी बहुत सारी है, तुम्हें पता लगेगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये डेटा एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस ही आते हैं, उनकी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस होती है, तो कॉन्टेस्ट को थोड़ा ज्यादा ड्रिल डाउन करो। ठीक है, इधर उधर कॉन्टेस्ट दो, इधर उधर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, सो दैट यू गेट टू नो कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो, और इवेंचुअली यू विल ग्रो अ लॉट एज अ प्रोग्रामर जब तुम कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो। ठीक है, तो ये पांच चीजें हो गई जो तुम्हें बहुत अच्छा बनाएंगी डेटा एल्गोरिथम्स पे। सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप है, बट दिस इज समथिंग, देखो अभी तुम अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अभी प्लेसमेंट इंटर्नशिप का ज्यादा लोड नहीं है अगर, तो दैट इज एनफ फॉर यू। राइट, हमने काफी सारे डेटा एल्गोरिथम्स कर लिया है, अब हम कॉन्टेस्ट देते रहेंगे और हमारा फ्लो रहेगा। बट द थिंग इज, इफ हमारे प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स आ रही है तो सिक्स और सेवन्थ पॉइंट उसके लिए है। राइट, सिक्स पॉइंट क्या है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना। अगर तुम्हारे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स आ रही है Amazon, Microsoft, जो भी कंपनीज आ रही है, उनके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखना बहुत जरूरी है, एंड वो भी हमारे कोड स्टूडियो पे बिल्कुल अच्छे से गिवन है, हर कंपनी वाइज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उसके कौन सा SD1 के लेता, कौन सा SD2 के लेता, वहां से तुम रेफर करके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ सकते हो। तो उसको अच्छे से पढ़ो, हर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में ग्रिल डाउन करो, राउंड वन में कैसा हुआ, राउंड टू में कैसा आया, राउंड थ्री में कैसा आया, तो ये सब चीजें तुम्हें पता लगेंगी, अच्छा मुझे अपनी प्रिपरेशन में और क्या ऐड करना है। राइट, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो छठा पॉइंट है वो इसी में है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से तुम सीख पाते हो अच्छा डीएसए में इधर उधर घुमा के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जनरली तुमने अभी क्वेश्चन कैसे करें, यार प्रॉब्लम गिवन है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, बट इंटरव्यूज में अच्छा उसने फर्स्ट पहली बार ये पूछा, फिर उसमें उसने और बेटर करने की कोशिश करी, फिर उसने कैसे कैसे उसको इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन को चलाया बट कैसे कैसे उसने एक बेटर वर्जन पे लेते चला गया, क्या हमें थॉट प्रोसेस देना होता है, तो वो हम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। और सेवन्थ पॉइंट अगेन वही है, टेस्ट सीरीज वगैरह देना। राइट, Amazon के फर्स्ट राउंड के टेस्ट देना, Microsoft के फर्स्ट राउंड के टेस्ट देना, तो हमारे पास टेस्ट सीरीज नाम की चीज है, वहां से तुम अच्छे से रेफर कर सकते हो, वहां पर टेस्ट सीरीज थोड़ा लग के दे सकते हो, टाइम टेस्ट होंगे बट जेन्युइनली कि यार फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मेरे को कैसे कैसे क्या करना है, तो कोड स्टूडियो में मॉक टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, वहां से तुम रेफर करके बहुत अच्छे से अपना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, सो दीज आर द सेवन थिंग्स जो तुम्हें अगर अच्छे से करोगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे, तो डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में बहुत अच्छी मास्टरी कर पाओगे। राइट, ये चीजें हमारे को अगर हम कर लेते हैं ना अपनी प्रिपरेशन में, तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम्स पे, फिर हमें बस फ्लो मेंटेन करना होता है कॉन्टेस्ट वगैरह के थ्रू, और हम डेटा स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम्स में बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट वॉज द लर्निंग द बेसिक्स, सेकंड पॉइंट वॉज डीएसए गाइडेड पाथ अच्छे से फॉलो करो, थर्ड पॉइंट वॉज टाइम टेस्ट वगैरह देना, वो टेस्ट सीरीज में दे सकते हो, कॉन्टेस्ट वगैरह में दे सकते हो, चौथा पॉइंट था मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा फॉलो कर लो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के गाइड पाथ के थ्रू, फिफ्थ पॉइंट था मेरा
थोड़ा कॉन्टेस्ट में रेगुलरली अच्छा होना, वो यहां से तो हो ही सकते हो कोर्ट स्टूडियो पे, प्लस कोर्ट फोर्सेस कोर्ट शेफ पे थोड़े कॉन्टेस्ट वगैरह दे दो। और सिक्स पॉइंट था मेरा कि यार इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे से पढ़ो जब प्लेसमेंट वगैरह आ रही है, इंटर्नशिप वगैरह आ रही है, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू। सेवंथ पॉइंट था जब तुम्हारे को क्लियर है मेरा अमेजन का इंटरव्यू या गूगल का इंटरव्यू है तो तुम उनके कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट सीरीज देना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टॉप गूगल इंटरव्यू क्वेश्चन करना, राइट। उसमें हमारी लिस्ट भी है टॉप गूगल इंटरव्यू क्वेश्चन, टॉप माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, तुम्हें पता है इसी कंपनी के अगर क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं उन चीजों को बहुत अच्छा कर लूंगा, राइट। तो ओवरऑल तुम्हारे को इसमें इस रिसोर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है वो हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एक हमारा इंटरव्यू प्रॉब्लम्स का सेक्शन है जिसमें 2200 प्रॉब्लम्स है, राइट, ओवरऑल 2200 प्रॉब्लम्स है। तो यार उसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा जो भी तुम्हारे टॉपिक्स वीक है ना, अगर तुम्हें उसमें स्ट्रांग होना है और तो अपना वहां टॉपिक वाइज फिल्टर लगाओ और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, राइट। सो दैट विल रियली हेल्प यू कि जब तुम्हारे को अगर कोई टॉपिक तुम्हारा वीक है उसके इंटरव्यू क्वेश्चन फिल्टर करो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा जो भी तुम्हारा टॉपिक वो बहुत अच्छे अच्छे से होता चले जाएगा, राइट। तो उस पार्ट को मिस मत करना, एक इंटरव्यू क्वेश्चन का सेक्शन है वहां से भी तुम रेफर कर सकते हो। ये ओवरऑल चीजें तुम्हें बहुत अच्छा बनाएंगी डेटा स्ट्रक्चरिंग एल्गोरिथम्स में, बस प्रैक्टिस करो, फोड़ो और दिल से लगे रहो, एक ना एक दिन बहुत अच्छी कंपनी निकालोगे या खुद का अपना अच्छा काम करोगे। बट ये चीजें अच्छे से सीख लो कोड स्टूडियो में, जो भी तुम्हारे को रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज करने थे वो मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिए। कोई फीडबैक हो कोड स्टूडियो को लेकर, वीडियो को लेकर, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छे से भर दो कमेंट्स में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे अच्छे कमेंट्स आते हैं, और ऑब्वियसली बुरे कमेंट्स भी आते हैं तो आई रियली हियर दैट एंड वर्क ऑन दैट। तो अच्छे बुरे दोनों कमेंट्स करो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें कर दिया करो, हमारा सपोर्ट रहता है और डेफिनेटली वी विल कीप गाइडिंग यू एंड ऐसी वीडियोज और आती रहेंगी, ठीक है। चलो थैंक यू।